हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनमीत कौर, द टीचर फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल. टुडे आई हैव गिवन अ स्मॉल टास्क टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ ऑन द टॉपिक लैटिस मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिवन द टास्क to the students of class 4 to explain the properties of multiplication. तो beginning में बच्चों ने properties of multiplication को अच्छे से explain किया हुआ है. After that मैंने उन्हें बोला था कि lattice multiplication को भी आपने अच्छे से explain करना है. तो वर्तिका, सूर्यांश, both have tried so well and they have explained so well on the topic lattice multiplication and properties of multiplication. So please have a look on both of these videos. लास्ट वाला जीरो और हम लास्ट वाला जीरो को यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर वन हंड्रेड इलेवन यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन की. मैम हम इसमें जैसे कि अगर हम इस 16 मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो मैम आंसर में हमारा 16 ही आएगा. अब जैसे कि मैम यहाँ पर 18 है, 18 में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैम 18 ही आएगा, बिकॉज मैम 18 वन ज़ा 18 ही होता है. अब मैम आपको बताने जा रही हूँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो की. मैम ज़ीरो में हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास 19 का मल्टीप्लाई करना है हमको ज़ीरो से, तो मैम यहाँ पर ज़ीरो आएगा बिकॉज ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है. तो अगर हम 9 को किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा. लाइक 21 मल्टीप्लाई ज़ीरो इज इक्वल टू मैम ज़ीरो. 81 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो मैम इज इक्वल टू ज़ीरो. मैम आई एम सूर्यांश सिंह फ्रॉम क्लास फोर्थ. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ऑर्डर प्रॉपर्टी, वी कैन मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर बट द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम. जैसे अगर हम किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में करेंगे तो उसका आंसर सेम ही आएगा. जैसे 12 × 7 इक्वल टू 84. मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ वन, व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय वन द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ. एग्जांपल अगर हम 1 × 5 से करेंगे तो उसका आंसर 5 ही आएगा. मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो. एग्जांपल अगर हम 0 × 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा. 10 में मैम मैं लैटिस मल्टीप्लिकेशन का बता रही हूँ जैसा आपने बताया था. मैम अब हम 8 × 4 ले लेते हैं. 1 digit to 1 digit. मैम अब मैं 1 digit to 1 digit का बता कर रही हूँ. मैम यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे.
और इसको बीच में से डिवाइड कर लेंगे। अब मैम हम जो क्वेश्चन है उसको बाहर बाहर लिख लेंगे, जैसे कि 8 और 4, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मैम 8 4 जा 32 होता है और 4 8 जा 32 होता है, तो मैम यहाँ पर 33 और 2 32। मैम ये सिंगल डिजिट है तो कोई एडिशन नहीं होगा यहाँ पे, अगर डबल डिजिट होता तो यहाँ पर एडिशन होता, बट ये सिंगल डिजिट है तो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एरो बना देंगे। ये भी सिंगल डिजिट है मैम, तो यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ, सिंपली लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर भी एरो बना लेंगे। एडिशन नहीं है तो सिंपल सा हम यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ पे मैम 3। एंड मैम आंसर इज 32। अब मैम हम टू डिजिट्स का कर रहे हैं। अब मैम जैसे कि 25 × 7। अब मैम जितने क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन का वो है उतना बॉक्स बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। और हम इसको भी बीच में से डिवाइड कर लेंगे। अब मैम हमने यहाँ पर लिख लिया 2 और यहाँ पर लिख लिया 5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ पर 7 लिख दिया। अब मैम हमें इसका आंसर निकालना है तो हम करेंगे यहाँ पर 7 × 5। मैम आंसर आया 35, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3 एंड 5। अब मैम 7 × 2 = 14 आंसर आया, तो यहाँ 1 लिख लिया और यहाँ पर 4। अब मैम ये तो सिंगल डिजिट है, हाँ ये केवल सिंगल डिजिट है, तो हम यहाँ पे ऐसे करके भी देख सकते हैं, सिंगल डिजिट है, एरो बना दिया। लेकिन मैम इसमें 2 डिजिट आ रहे हैं तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। और मैम ये भी सिंगल डिजिट है, हमने इसको भी केवल 1 डिजिट में कर लिया। मैम हम यहाँ 5 लिख देंगे केवल, और यहाँ पर मैम इसको ऐड करेंगे 4 + 3, और यहाँ पर आंसर आया मैम 7। और मैम यहाँ पर कुछ नहीं आया तो यहाँ पर केवल 1 लिख देंगे, और मैम हमारा आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 1 7 एंड 5। और मैम अगर हमें क्वेश्चन चेक करना है कि सही है या गलत है तो मैम हम यहाँ पर रफली चेक भी कर सकते हैं। नहीं देखो यहाँ पे रफ करेंगे, रफ वर्क हमेशा साइड में करते हैं मैम। अब हम यहाँ पर रफ करके देख लेंगे 25 × 7। मैम 7 × 5 = 35, यहाँ कैरी हो गया 3, और 7 × 2 = 14, 15, 16 एंड 17। मैम आंसर हमारा सेम आ गया 1 7 एंड 5, तो मैम ये क्वेश्चन एकदम आंसर सही। मनी मैम, आई एम सुरेंद्र सिंह। मैम जो आपने वीडियो बना के भेजी थी वो मैं बनाने जा रहा हूँ। मैम जैसे कि हम 5 × 6 के करेंगे, तो मैम यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे पहले, और उसको बीच में से डिवाइड कर देंगे, और जो क्वेश्चन है हमारा उसको यहाँ पे लिख देंगे, और फिर जो भी, और मैम जो फिर हमारा मल्टीप्लाई का साइन वो लगा देंगे साइन, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख देंगे 6 × 5 = 30, जो 30 है एक कॉलम में ये लिखेंगे यहाँ पे, और जो आंसर है वो यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम 4 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले एक कॉलम बना लेंगे, मतलब कि कॉलम बना लेंगे, फिर उसको बीच में से डिवाइड कर देंगे, फिर जैसे कि यहाँ पे एक निकाल लेंगे मल्टीप्लाई 3, हाँ फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे 12 1 12, हमारा ये 12 आंसर आया है वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थैंक यू मैम।